हेलो दोस्तों, उम्मीद है कि पेपर बहुत अच्छा रहा होगा। लेवल वन वाला 5 क्वेश्चन आए थे और एग्जाम में बहुत इजी क्वेश्चंस थे। मैं कहूँ आपको तो जो हमने पढ़ा था उसी बेस पर सारे के सारे क्वेश्चन पूछे गए थे एग्जाम के अंदर। और मैंने पहले भी कहा था कि टिपिकल कोर्ट पेपर नहीं आएगा और आप फालतू घबरा रहे थे। बहुत आसान से 5 क्वेश्चन आए थे, मैं आपको आंसर बता देता हूँ उन सभी के। और बहुत मतलब मैं कह रहा हूँ कि बहुत आसान थे, ये तो नहीं कहूँगा सिमिलर क्वेश्चन थे, लेकिन बस जो हमने पैटर्न पढ़ा था, जो हमने तैयारी की थी, उस बेस पर हमारे क्वेश्चन पूछे गए थे। और मुझे उम्मीद है कि आपने सबने वो क्वेश्चन बिल्कुल सही किए होंगे, करेक्ट किए होंगे, क्योंकि ये 5 क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ जिन्होंने छोड़े होंगे। ये लड्डू क्वेश्चन थे, केवल लड्डू क्वेश्चन, मतलब बस खाने ही थे आप लोगों को, इसके अलावा कुछ नहीं करना था। ये मैं एज ए टीचर बात नहीं कर रहा, एज ए स्टूडेंट बात कर रहा हूँ कि बहुत आसान से क्वेश्चन थे ये। चलिए मैं क्वेश्चन के बारे में बताता हूँ आंसर क्या क्या है। एक क्वेश्चन था कि 80 के निकटतम अभाज्य संख्या के बारे में पूछ रहा है। इसमें ऑप्शन में आप देखेंगे ना तो 80 के निकटतम, देखो 83 भी 80 के निकटतम है, 81 तो अभाज्य होता ही नहीं है, और 79 भी है, लेकिन निकटतम बोला तो पास ज़्यादा कौन है, 79। तो 79 इसके अभाज्य संख्या, इसका आंसर होगा। इसके अलावा जो दूसरा क्वेश्चन था हमारा, रेखिक युग्म के कोणों का योग क्या होता है, सबको पता है यार, किसी को भी कुछ छोटा बच्चा उठा के पूछ, छोटे बच्चे उठा के पूछ लो, वो भी बता देगा कि अभाज्य संख्याओं का जो योग, रेखिक युग्मों का जो योग होता है, रेखिक कोण का, वो होता है 180 डिग्री, सबको पता है ये बात, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन था हमारा जो डायग्राम के बेस पर क्वेश्चन था, जिसमें आपने देखा होगा ए बी और सी डी पैरेलल लाइंस थी, और एक ये वाला जिसमें हमने शॉर्ट्स भी डाला था इसके ऊपर, और उसमें एक्स का मान पूछा गया था। तो एक 80 और 20 को मिलाकर मैंने कहा था कि चौंच वाले कोणों का योग जो होता है समान होता है, तो इधर वाले दोनों 80 और 20 100 थे, उधर वाला 100 हो गया, तो एक्स का मान 100 हो गया, एक क्वेश्चन का आंसर। और मतलब मेरे पास पेपर आया उसको देख के मुझे हंसी थी आ रही थी। एक था वो हम लोगों ने जो समांतर रेखा को जो तिरछी रेखा काटती है, तो वो एज इट इज़ ऐसा क्वेश्चन किया हुआ है, बस वैल्यू अलग अलग है। तो उसमें भी आपसे एक्स का मान, जिसमें PQ पैरेलल RS दे रखा है आपको, और वहाँ पर एक्स का मान पूछा गया था। तो दोस्तों वहाँ पर दोनों को आप देखेंगे कि एक जो 2x-10x को ऊपर ले जाओ वो हमारा संगत हो जाएगा, और वो संगत जब दोनों संगत कौन होंगे तो सरल रेखा युग्म हो गई, यानी जो पीछे दे रखा है वही पूछ लिया इसने। और 3x-20 और 2x-10 का योग कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए, और दोनों को जोड़ के जब एक्स का मान निकालोगे दोस्तों, तो यहाँ पर 42 डिग्री निकल के आता है। बहुत ही आसान सा तुच्छ सा क्वेश्चन था एक तरह से, और इससे घटिया क्वेश्चन क्या देगा ये, मतलब मुझे समझ नहीं आया कि पेपर का कोई लेवल है ये, कि लिखा हुआ 395x = 2765 और एक्स का मान पूछ रहा है। अब बताओ एक्स का मान कोई भी निकाल सकता है यार, मतलब पेपर का कोई लेवल है क्या, मतलब कट ऑफ इसको देखकर तो मुझे लगता है कि कट ऑफ ऊपर ही जाने वाली अच्छी खासी, क्योंकि इतना इजी मेरे हिसाब से तो मैथ को देख रहा हूँ। बाकी मैंने मेरे साथी लोगों से पूछा, उन्होंने भी यही कहा कि पेपर का लेवल कुछ ज़्यादा खास नहीं है, बट फिर भी हम वेट करेंगे इस चीज़ का कि बाकी लोग अपने जवाब दीजिए कि आपके पेपर कैसे कैसे रहे, और कमेंट करके बताइएगा मुझे। और इस क्वेश्चन का आंसर 7 था, जिसमें 395x = 2765 था, इसका आंसर 7 था, और ये बहुत आसान सा क्वेश्चन था। तो इसी उम्मीद के साथ कि आपका पेपर अच्छा हुआ होगा, और आने वाले टाइम में हम रीट और इन सब की भी तैयारी करते रहेंगे धीरे धीरे। यूट्यूब से जुड़े रहिएगा और लोगों से शेयर करते रहिएगा। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।